Welcome all the students. As we have started our chapter number 7, directing, and we earlier study in this chapter about the concept of directing and the importance of directing. Today we are going to discuss on element of directing. What are the elements of directing? So to understand the elements of directing, here I have given some examples. First of all, we have to understand these examples, and through these examples we will come to know about the elements of directing. Okay, so first, a supervisor explains a worker about operations to be carried by him on a lathe machine. सुपरवाइजर क्या कर रहा है, वो अपने एक वर्कर को लेथ मशीन पर वर्क करने के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द लेथ मशीन. तो ये क्या है, दिस इज सुपरविजन. तो ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, दैट इज सुपरविजन. सेकंड, अ माइनिंग इंजीनियर एक्सप्लेन्स अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हाइल वर्किंग इन अ कोल माइन. एक माइनिंग इंजीनियर है, वो कोल माइनिंग में अपने वर्कर्स को काम करते वक्त सेफ्टी प्रिकॉशंस एक्सप्लेन कर रहा है. तो ये क्या है, दिस इज कम्युनिकेशन. ओके, दिस इज कम्युनिकेशन. मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर शेयर इन द प्रॉफिट्स टू द मैनेजर फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनहेंस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. मैनेजिंग डायरेक्टर अपने वर्कर्स को किस बात के लिए, अपने मैनेजर्स को किस बात के लिए शेयर प्रॉफिट में शेयर ऑफर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मोटिवेशन. थर्ड एलिमेंट, दैट इज मोटिवेशन. मैनेजर इंस्पायर्स हिज और हर एम्प्लॉय बाय प्लेइंग अ लीड रोल इन परफॉर्मिंग अ वर्क. मैनेजर क्या कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर रहे हैं किस तरह से, खुद एक लीड रोल प्ले करके. तो ये क्या है, ये है लीडरशिप. ओके, तो हमारे पास फोर एलिमेंट्स आते हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अवर फर्स्ट एलिमेंट, सुपरविजन. व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन मींस सिंपली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर टास्क एंड समवन इज ऑब्जर्विंग एंड इंस्ट्रक्टिंग यू, दैट इज नोन एज सुपरविजन. तो सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग और एंड ऑब्जर्विंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क. काम करते हुए उनको ऑब्जर्व करना और उनको टाइम टू टाइम गाइड करना, यही क्या है, यही आपका सुपरविजन है. तो सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है, आपके सिलेबस में सिर्फ सुपरविजन का मीनिंग है, अदर इन्फॉर्मेशन सुपरविजन के इंक्लूडेड नहीं है. तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज मोटिवेशन. ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, नाउ वी आर टेकिंग अवर सेकेंड एलिमेंट, मोटिवेशन. क्या है मोटिवेशन? तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिम्युलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय. स्टिम्युलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी. अपने वर्कर्स को अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर करना, उनको इंड्यूस करना, इंसाइटमेंट करना, ये ही क्या है, ये ही आपका मोटिवेशन है. एक्चुअली मोटिवेशन क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म विच कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉय. आप इसे किसी भी एम्प्लॉय पर जबरदस्ती ला नहीं सकते हो. क्लियर है, ये क्या है, ये इट इज अ इनर फीलिंग. ये अंदर से आने वाली फीलिंग है. इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इन साइड द एम्प्लॉय एज इट इज विलिंगनेस टू डू अ वर्क. ये किसी भी एम्प्लॉय के अंदर से जो इनर स्टेट होती है, जो इसकी इनर फीलिंग होती है कि मुझे किसी काम को करके दिखाना है, मुझे किसी काम को अच्छे से अच्छे करना है, वो ही क्या है, ये ही मोटिवेशन है. मोटिवेशन से आप कभी भी, मोटिवेशन से आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो. जबरदस्ती कोई काम नहीं करेगा. जैसे अगर मैं आपको जबरदस्ती पढ़ाना चाहती हूँ तो आप पढ़ेंगे नहीं. आप कब पढ़ेंगे, जब आपके अंदर से मैं आपको क्या करूंगी, मैं आपको पढ़ने के लिए तैयार कर सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता सकती हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो. तो जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपके अंदर से इच्छा जागृत होगी, तो आप उस काम को करने के लिए तैयार होंगे. यही क्या है, यही मोटिवेशन है. क्लियर है, तो मोटिवेशन मींस क्या हो गया, मोटिवेशन इट इज अ प्रोसेस
टू मेक द सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को डिजायर्ड मैनर में वर्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए रेडी करना, ये ही आपका मोटिवेशन है. क्लियर है? तो मीनिंग ऑफ मोटिवेशन इज क्लियर टू यू ऑल. अब मोटिवेशन से रिलेटेड थ्री टर्म्स हमारे सामने आती है, वी हैव टू डिस्कस दैम. फर्स्ट इज मोटिव, सेकेंड इज मोटिवेशन एंड थर्ड इज मोटिवेटर. फर्स्ट इज मोटिव. पहली, सबसे पहली जो आती है वो आती है हमारी मोटिव. अभी मोटिव क्या है? मोटिव इज एन इनर स्टेट, ठीक है, इट इज इनर फीलिंग. आपकी नीड, ओके, आपकी डिजायर, ये क्या है? ये आपका मोटिव है. लाइक इफ यू आर हंग्री, तो आपका मोटिव क्या होगा? किसी भी तरीके से मुझे खाना मिल जाए और मेरी भूख शांत हो जाए. तो मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है? खाना को सर्च करना, सर्चिंग फॉर द फूड, ये मेरा मोटिव है. तो मोटिव कुछ भी हो सकता है, आपकी हंगर हो सकती है, थर्स्ट हो सकती है, आपका एफिलिएशन हो सकता है, रेस्पेक्ट हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, ये सब क्या हो सकते हैं? आपके मोटिव हो सकते हैं. क्लियर है? तो मोटिव क्या है? मोटिव वो इनर फीलिंग है, वो नीड है, वो डिजायर है दैट इंस्पायर यू टू डू अ वर्क, जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर रही है. सेकेंड इज मोटिवेशन. मोटिवेशन इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस टू इंस्पायर टू पुशिंग द पीपल टू डू वर्क इन अ डिजायर मैनर. वो तरीका, वो प्रोसेस जिसके थ्रू मैं अपने वर्कर्स को, जिसके थ्रू आपको तैयार करते हैं कि आप एक डिजायर्ड मैनर में अपने एक्ट को कंप्लीट करें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके. नेक्स्ट इज मोटिवेटर. मोटिवेटर मीन्स वो टेक्निक दैट यू आर यूजिंग टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज. लाइक अगर हम एक कंपनी की बात करें तो कंपनी में हम बोनस दे सकते हैं, इंक्रीमेंट दे सकते हैं, हम प्रमोशन दे सकते हैं, ओके, ये सब क्या है? दे ऑल आर एक्टिंग एज अ मोटिवेटर, जो किसी वर्कर को इस बात के तैयार करेंगे कि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें. क्लियर है? तो ये अपना, ये है हमारे मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर. नेक्स्ट वी विल टेक फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन? वेरी फर्स्ट इज, इट इज एन इंटरनल फीलिंग. एज आई सेड, इट इज एन इंटरनल फीलिंग, इट कैन नॉट बी फोर्स, ठीक है, टू एनी वन, टू एनी वर्कर. आप इसे किसी भी वर्कर पर फोर्स नहीं कर सकते, ये अंदर से आने वाली फीलिंग है. इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म विच कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इन साइड योर्स. क्लियर है? जो अपने आप आपके अंदर से आती है, ओके. लाइक मुझे अगर भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना है, ये अंदर से आता है. अब मान लीजिए मुझे सपोज, हाँ, मुझे अर्न करना है, तो जब अर्न करने की फीलिंग मेरे अंदर आएगी तो मैं क्या करूंगी? आई विल डू अ वर्क. तो अर्निंग, जो हमें मेरी जो फीलिंग टू अर्न है, दैट विल इंड्यूस मी टू डू अ वर्क, मुझे कुछ काम करने के लिए तैयार करेगी. लाइक मुझे सपोज हायर सैलरी, हाई सैलरी चाहिए, तो हाई सैलरी का मतलब क्या है? मुझे अपने जो जो भी टारगेट सेट किए गए मेरे लिए, वो टारगेट मुझे क्या करने होंगे? अचीव करने होंगे. जैसे मैं टारगेट अचीव करूंगी, ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा? सैलरी हाई हो जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट, इट लीड्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. यस, जो आपका मोटिवेशन होता है वो क्या है? वो पीपल को इंड्यूस करता है अपने गोल्स अचीव करने के लिए. ये पुश करता है लोगों को टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्लियर है? लाइक मैंने अभी बताया कि मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, या मुझे सपोज मुझे प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना बेस्ट वर्क भी करना पड़ेगा. जैसे ही मैं अपना बेस्ट वर्क करती हूँ, मुझे प्रमोशन मिल जाता है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. ये मुझे अपने गोल को अचीव करने की तरफ लेकर जा रहा है. और जब मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करती हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होती है, तो उसका ऑटोमेटिकली फायदा कंपनी को या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल जाता है. उसकी भी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इंड्यूस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर दैट दे कैन अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ओके, नेक्स्ट वी विल टेक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव.
अ मैनेजर कैन टेक पॉजिटिव मोटिवेटर्स और नेगेटिव मोटिवेटर्स. समटाइम्स दे टेक पॉजिटिव मोटिवेटर्स एंड समटाइम्स दे टेक नेगेटिव मोटिवेटर्स. लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं, पॉजिटिव मोटिवेटर का एग्जाम्पल हो गया, इंक्रीमेंट आप कर सकते हो, आप बोनस दे सकते हो, आप प्रमोशन दे सकते हो, आप उसको प्रेज अमंग द पीपल, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो. तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है. नेगेटिव में हम क्या ले सकते हैं, नेगेटिव में आप डिमोशन कर सकते हो, ओके, या फिर आप उसको इंक्रीमेंट रोक सकते हो, ओके, या फिर आप उसको वार्निंग दे सकते हो. ये क्या है, ये नेगेटिव है. तो कभी हमें पॉजिटिव लेने पड़ते हैं, कभी हमें नेगेटिव लेने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे स्कूल का टाइमिंग है 7 o'clock, हमें जो है स्कूल पहुंच जाना है, क्लियर है. अब कोई टीचर है जो डेली रेगुलरली वो 7 o'clock पहुंच जाता है, एक्यूरेट टाइम पर 7 o'clock पहुंच जाता है, क्लियर है. तो अब हम उसे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम अमंग द पीपल उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं. तो जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो ये अप्रिशिएशन उनके लिए एक मोटिवेटर का वर्क करेगा और उनको मोटिवेट करेगा कि वो आगे भी इसी तरह का कंटिन्यू करें. दूसरी तरफ एक टीचर और लेते हैं जो डेली लेट आते हैं, 7 o'clock का टाइम है बट 7:10 आते हैं या 7:15 आते हैं, क्लियर है. अब इनको हम, इनके लिए भी हम मोटिवेटर यूज करेंगे बट इनके लिए पॉजिटिव मोटिवेटर नहीं लेंगे, हम नेगेटिव मोटिवेटर लेंगे. लेकिन हम कर देंगे कि 3 days अगर कंटिन्यूस आप लेट होते हो तो आपकी एक CL लग जाएगी, यानी कि आपकी एक लीव मान ली जाएगी. 3 दिन अगर आप लगातार लेट हो जाते हो तो आपका एक लीव मान लिया जाएगा. अब ये क्या है, दिस इज नेगेटिव मोटिवेटर. तो एक तरफ तो मैंने पॉजिटिव मोटिवेटर लिया जहां पे मैं उसको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रही हूँ कि जो वर्क वो अपना कर रहा है डिजाइन मैनर में उसे वो कंटिन्यू करे, और दूसरी तरफ मैं नेगेटिव मोटिवेटर यूज करके आई एम स्टॉपिंग समवन, ठीक है, टू कंटिन्यू अ टास्क. जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी गलती वो कर रहे हैं, उस गलती को करने से रोकने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं नेगेटिव मोटिवेटर यूज कर रही हूँ, ओके. तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी. नेक्स्ट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. डेफिनेटली इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और यू कैन से डिफिकल्ट टास्क. व्हाई, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यू नो अ मैनेजर इन अ ऑर्गेनाइजेशन, अ मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड द वेरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन, क्लियर है. हमें ह्यूमन नीड्स को अंडरस्टैंड करना होता है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर ह्यूमन नीड्स एक्यूरेटली. एंड सपोज आपने एक्यूरेटली मेजर कर भी लिया तो ये क्या होता है, इट इज पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये क्लियर है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि अगर आपका कोई सिंगल चाइल्ड है, बेबी गर्ल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो उस बच्चे की एजुकेशन को पूरी एजुकेशन को कंपनी फिनांस करेगी, क्लियर है. अगर किसी एम्प्लॉय के सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको उसका एजुकेशन जो है वो कंपनी फिनांस करेगी, क्लियर है, हमारी ये पॉलिसी है. अब ये उन एम्प्लॉयज के जिनके सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए तो एज अ मोटिवेटर वर्क करेगी, लेकिन दूसरी तरफ वो एम्प्लॉय जिनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये एज अ मोटिवेटर वर्क करने वाली नहीं है, क्लियर है. या फिर हम करते हैं कि आपके अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, इफ यू हैव ओनली 2 चाइल्ड देन देयर एजुकेशन विल बी फाइनेंस्ड बाय द कंपनी, कंपनी फाइनेंस करेगी. तो अब ये वो लोग जो मैरिड हैं और जिनके 2 बच्चे हैं तो उनके लिए तो मोटिवेशन का काम करेगी, लेकिन वो पर्सन जो अभी अनमैरिड है, क्लियर है, उनके लिए ये मोटिवेशन का काम नहीं करेगी. तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पर ये बहुत मुश्किल है कि हमें ये समझना कि अलग अलग ह्यूमंस की अलग अलग नीड्स हैं और उनको नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हमें यूज करनी पड़ती है. तो उस नीड्स को समझना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना और उसके अकॉर्डिंग मोटिवेशन टेक्निक को यूज करना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और यू कैन से इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्लियर है. तो ये है हमारी फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. नाउ वी विल टेक आवर मास्लोस नीड हायरार्की. नेक्स्ट पॉइंट इज मास्लोस नीड हायरार्की.